Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. हे प्रभु, हे प्रभु। चमत्कार, चमत्कार। देखो चमत्कार हो गया, चमत्कार प्रभु। प्रभु चमत्कार हो गया। हे प्रभु, हे प्रभु। प्रभु हे दया निधान, हे कृपा अवतार, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। ओम श्री सत्यनारायण प्रभु, ओम श्री सत्यनारायण। हमारी कुटिया, हमारी कुटिया, हमारी कुटिया महल बन गई। प्रभु स्वर्ण, बहुमूल्य मुद्राएं सब है यहां, सब है यहां। प्रभु सत्यनारायण के व्रत और उनकी कथा की अपार महिमा है। प्रभु में निष्ठा का परिणाम अवश्य मिलता है। आगे जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा प्रभु। प्रभु हरि पर इतना विश्वास है तो प्रभु का वो व्रत क्यों नहीं रखते जिससे सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मुझे तो अपने सर पर केवल एक छत चाहिए थी, वो मुझे मिल गई और आपके परिवार को मैं कठिनाई में डालकर कहां विश्राम कर पाऊंगा। आप मेरी कुटिया में आए और मैं मूर्ख आपको पहचान ही नहीं सका। वो ब्राह्मण देवता कोई और नहीं, आप ही थे प्रभु, आप ही थे। प्रभु यदि आप अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देते तो इस भक्त का जीवन धन्य हो जाता। कदाचित मैं अभी आपके दर्शन योग्य ही नहीं था, किंतु प्रभु मैं प्रण लेता हूं आपके दर्शन की कामना में मैं प्रत्येक माह श्री सत्यनारायण की पूजा करता रहूंगा जब तक आप मुझे अपने दर्शन देने का सौभाग्य प्रदान नहीं करते। उस दिन मेरे प्रभु ने मुझे अपार सुख और समृद्धि तो दे दी, किंतु मैं अज्ञानी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं पाया, उनके साक्षात दर्शन से वंचित रह गया।
मुझे ग्लानि हुई और प्रभु दर्शन की आस में प्रत्येक माह प्रभु श्री सत्य नारायण व्रत करने लगा। और वो दिन आ ही गया जब प्रभु को मुझ जैसे अज्ञानी भक्त पर दया आ ही गई। प्रभु, शतानंद, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, आज से तुम गोलोक में मेरे साथ वास करोगे और द्वापर युग में मेरे अवतार श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र बनोगे। आज से तुम्हारा नाम होगा सुदामा, सुदामा, सुदामा। बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री सत्य नारायण भगवान की जय। जय जय। कल्याण हो। सुदामा जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। द्वापर युग में देवी राधा के श्राप के कारण उन्होंने फिर से एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, किंतु प्रभु सत्यनारायण के कारण वो बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र बने और उनकी मित्रता की प्रभुता उन्होंने स्वीकार की। उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मित्र सुदामा, देखो मैं क्या लाया हूँ। आओ, आओ मिलकर खाते हैं। ये लो। मुझे एक और मिलेगा मित्र? हाँ हाँ लो। मित्र सुदामा, लगता है भूख बहुत लगी है तुम्हें। हाँ मित्र, एक और दो ना। बहुत भूखा हूँ मैं, एक और दो ना। भूख तो अभी भी नहीं मिटी मित्र। दो ना मित्र। ये उचित नहीं मित्र, तुम तो चार फल खा चुके हो, तो क्या मैं एक भी ना खाऊं? नंदलाल को आमों की क्या कमी, तुम्हारे यहाँ तो टोकरियाँ होंगी। मन भर कर खा लेना, ये मुझे दे। नहीं नहीं दूंगा। अपने मित्र के लिए इतना तो कर ही सकते हो, दो ना। नहीं, कदापि नहीं। नहीं दो। नहीं। ये तो बहुत खट्टा है। तो ये बात थी मित्र, सभी फल खट्टे थे इसलिए तुम सब खा गए, जिससे मैं खट्टे फल ना खा पाऊं। मेरे छोटे से छोटे सुख का ध्यान रखते हो तुम मित्र, मेरे मुंह का स्वाद भी बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते ना। मित्र हो तो तुम्हारे जैसा, जो स्वयं सभी कड़वाहट सह लेगा, किंतु मेरे जीवन में कड़वाहट नहीं आने देगा।
कितनी सरलता से सुदामा जी ने अपनी मित्रता का प्रमाण दे दिया। जिस श्रद्धा से वो अपनी मित्रता निभाते थे, उसी श्रद्धा से वो अपने धर्म पर भी अड़िग रहते थे। समय बीता और एक दिन श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। किंतु सुदामा जी अपने शतानंद स्वरूप के समान दरिद्रता में ही जकड़े रहे, और वो भी ऐसी दरिद्रता कि भोजन के लिए एक भी दाना उनके समीप न था। इतना ही है, इतना हमारे परिवार के लिए तो क्या, ये हम में से किसी एक के लिए भी कम पड़ेगा। आपके प्रभु ये किस अपराध का दंड दे रहे हैं हमें, ये सब कब तक सहेंगे हम। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। कब से सुनते आ रही हूँ, श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, उन पर इतना ही विश्वास है तो जाइए, उनसे कहिए एक बार तो आपकी सहायता करें। एक मित्र अपने मित्र का दुख नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। प्रभु और मित्र से कुछ छिपा नहीं रहता, और सौभाग्य से वो मेरे दोनों हैं, और मेरा सिद्धांत भी है अपने मित्र के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना। सिद्धांत, सिद्धांत से आपके बालकों का पेट भर जाएगा क्या। मित्र के सामने हाथ नहीं फैलाना तो मत फैलाइए, किंतु भगवान भी तो मानते हैं आप उन्हें, तो भगवान से ही मांग लीजिए, उनसे कैसी लज्जा। मेरे लिए तो अवश्य भगवान है, किंतु वो मुझे भक्त नहीं अपना मित्र ही मानते हैं ना, और वो मुझे मिलेंगे भी तो एक मित्र के रूप में ही मिलेंगे। अब वो आपको मित्र मानकर मिले या भक्त मानकर, आपको जाना ही होगा। ऐसे भूखे पेट ये कब तक जीवित रहेंगे। आपको इनकी सौगंध है, मना मत कीजिए, जाइए। उचित है, मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा, किंतु वो राजा हैं, उनके पास खाली हाथ कैसे जाऊं। तो जो उन्होंने दिया है ये चूड़ा, यही ले जाइए, भगवान का दिया यही तो है हमारे पास। चिंता मत कीजिए स्वामी, वो इसका कदापि बुरा नहीं मानेंगे। ये लीजिए। स्वामी,
प्रभु के पास खाली हाथ तो जा रहे हैं, खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। मिलकर खाते। मेरी भूख तो अभी भी नहीं मिटी मित्र। तुम्हारे जैसा जो स्वयं सभी कड़वाहट सह लेगा। क्या हुआ स्वामी? कुछ चाहिए स्वामी? आप अचानक उठ क्यों गए? स्वामी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? दीदी रुक्मणी, स्वामी को क्या हो गया? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है बहन सत्यभामा। सुदामा? हाँ प्रिय, मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, मेरा परम मित्र सुदामा आ रहा है। सुदामा, सुदामा। स्वामी, मेरा सुदामा आ रहा है, सुदामा आ रहा है, मेरा सुदामा। इतने वर्षों बाद सुदामा आ रहा है। राजभवन, यहां मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण का भला क्या स्वागत होगा? कैसे जाऊं भीतर? किंतु वचन दिया है तो जाना तो होगा। रुकिए ब्राह्मण देवता, भीतर कहाँ चले आ रहे हैं? ये राजभवन है। अपना परिचय दीजिए, और कहीं आप मार्ग तो नहीं भूल गए हैं? अपनी दरिद्रता देखिए और ये राजभवन देखिए। ज्ञात है मुझे, ये राजभवन है जहां मेरे मित्र रहते हैं। श्री कृष्ण। लो सुनो, इनके मित्र हैं हमारे महाराज। इस
स्पष्ट रूप से बताइए ब्राह्मण देवता, यहां किस लिए आए हैं आप? मैं भक्त हूं प्रभु श्री कृष्ण का। जाइए जाइए, हमारे महाराज के पास इतना समय नहीं है कि वो ऐसे किसी से भी मिलते रहें। लो, अभी मित्र थे अब भक्त हो गए, कुछ ही समय में महाराज के संबंधी भी बन जाएंगे। मित्र, मित्र है वो मेरा। सुदामा, 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 सुदामा। सुदामा, मित्र से मिलने आए हो, बिना भेंट किए चले जाओगे? सुदामा, 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 सुदामा। सुदामा कृष्ण, वर्षों बाद
तुम्हारे गले लगकर आज मुझे आनंद आ गया सुदामा। चलो मित्र, चलो। संकोच मत करो मित्र, से बड़े तपस्वी भी प्रभु दर्शन से वंचित रह जाते हैं, किंतु मेरे प्रभु की उदारता का तो मैं क्या वर्णन करूं? शब्दों में कहना संभव नहीं। प्रभु ने स्वयं मुझे अपने हृदय से लगाया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य मुझे एक पल में मिल गया हो। और प्रभु यही नहीं रुके, ऐसा स्वागत किया कि मैं अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। आओ सुदामा, यहां आसन ग्रहण करो। मैं यहाँ? हाँ, तुम्हारा यही उचित स्थान है। आओ। आओ। मेरे मित्र आए हैं, आप लोग उनका स्वागत नहीं करेंगी? नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? सुदामा, तुम अपने धर्म पर टिके रहे, मुझे भी अपना धर्म निभाने दो। मेरे मित्र होने के साथ साथ मेरे अतिथि भी तो हो। तुम ब्राह्मण देवता हो तो यथोचित हमें भी अपने आदर और सत्कार की अनुमति दो। अब मुझे अपने स्वागत का सौभाग्य तो दो।
मित्र। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। सुदामा जी, आपने प्रभु के हाथों भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया? सच्चा मित्र वही है जो मित्र के हिस्से की सारी कड़वाहट स्वयं लेकर उसके छोटे से छोटे सुख को महत्व दे।